अगर आ रही है और स्क्रीन भी विजिबल है तो हमें कमेंट करिए, ठीक है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी। चलिए देखते हैं स्क्रीन विजिबल है या नहीं। चलिए आप सभी को स्क्रीन फाइनली विजिबल है तो हम सभी जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। लाइक करो भाई, जितने भी जुड़ चुके हो लाइक करो सभी। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। शेयर करो जल्दी से, क्लास स्टार्ट करेंगे। सॉरी फॉर लेट, ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया। हम शेयर कर देते हैं इसको फिर आप सभी के साथ। जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। समथिंग 15 स्टूडेंट्स तो होने चाहिए ना जी, इतने मेहनत से आईसीआर के क्वेश्चंस पेपर लेकर आए हैं। तो फिर आप सभी को इम्पॉर्टेंट टिप्स भी बताएंगे, ठीक है। आईसीआर के पेपर कैसे सॉल्व करना है वो भी बताया जाएगा। तुरंत आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, स्टेटस में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। जाइए सभी लोग शेयर करिए। 10 आर वॉचिंग नाउ बता रहा है, बट 10 में से आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। ना ही लाइक किया आप लोगों ने। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता है ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपका सिर्फ आईसीआर में आते हैं। ये क्वेश्चन आपके आईसीआर के अलावा बीएचयू, सीजीपीएटी, एमपीपीएटी जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं, एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर ना, चाहे आप बनारस चले जाइए, चाहे आप इंडिया जाए, चाहे अदर कंट्री जाए, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ही रहेगा ना, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आने वाले, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। मैं भी जल्दी से शेयर करके आती हूँ, आप लोग भी जल्दी से शेयर करिएगा। हम देखेंगे फिर कि आप लोग कितने क्वेश्चन बना पाते हैं, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बस एक मिनट बच्चा लोग, फिर हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप लोग भी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। फाइनली सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं ना। चलो कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की? आज आप सभी का आईसीआर का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं फाइनली कितने स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं। 8 स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं। कैसे प्रेरणा, इतना दांत दिखा रहा है, बहुत खुश हो ना, पेपर है तो ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। ये 2017 क्या क्या पेपर सॉल्व करना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, अगर आज पेपर देने जा रहे हो तो। जाते जाते भी 2017, 2018, 2019 का पेपर देखते हुए जाना। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता देती हूँ, जो 2019 का पेपर है वो आपके नॉर्मल लेवल का था। अगर आप 2020 का पेपर देखते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, ऐसा करके आपका 3-4 पेपर बहुत सारे हैं और आप उसमें उलझ के रह जाएंगे। और हो सकता है इस बार, क्योंकि एक ही बार एग्रीकल्चर का पेपर ले रहा है आज ही के आज, तो ये हो सकता है कि उसका जो एग्ज़ाम लेवल है वो आसान दे। पिछले बार तो नीट को भी फेल कर दिया था एनटीए, ठीक है। तो इस बार ऐसा ना हो करके इसलिए एग्रीकल्चर का अलग, मैथ्स का अलग और बायो वालों का अलग रखा गया है। तो इस चीज़ का बेनिफिट्स तो आप लोगों को मिलेगा ही। तो आप लोग को अभी का इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जाने से पहले 2018, 2017 और 2019 का पेपर सॉल्व करके जाए। ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी पता है पिछले ईयर के पेपर से क्वेश्चन नहीं पूछते, एक साल छोड़ के उसके पिछले साल का पेपर पूछा जाता है। तो इस चीज़ पर आप लोग बिल्कुल फोकस करना, ठीक है, फोकस करिएगा आप लोग। और उसके बाद बताइएगा कि कैसे आप लोगों को लगा, ठीक है ना।
तो 2017 का पेपर सॉल्व कर लेते हैं, इसी के साथ आप लोग का रिवीजन हो जाएगा प्रेरणा। ठीक है, तो पहले हम लोग एग्रीकल्चर के पोर्शन का कर लेते हैं। फिजिक्स आपके काम का नहीं है, आज आपको सबसे पहले जाना है। तो क्या सॉल्व करना है? एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्व करना, उसके बाद बायो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, ये सीक्वेंस रखना। ठीक है, चलो देखते हैं। हम लोग यहाँ पे सॉल्व्ड है ऑलरेडी, आप लोग को बस रिवाइज कराना है सुन सुन के, या फिर अभी आप लोग रेडी एडी हो रहे होगे तो रेडी भी होते जाइए और फ़ोन को ऑन करके रख दीजिए ताकि आपके कान पे वॉइस जाएगी तो कम से कम आपको याद रहेगा। ठीक है, बायो सॉल्व करेंगे आज और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2017 का बायो और एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पहला पूछा है एग्रीकल्चर का, तुरंत जल्दी जल्दी आंसर करना, हम ज़्यादा नाम वाम नहीं लेंगे, हमको आंसर सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है ना, तो साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप, अंगूर का वैज्ञानिक नाम पूछा है, क्या होगा बताइए? साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रेप क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका विटिस नेग्युनेडो, सेकंड है विटिस विनिफेरा, थर्ड है प्रूनस डल्किस और फोर्थ है जुबलेंस। बी बिल्कुल सही है, विटिस विनिफेरा। ठीक है, मैं आंसर बताते चलूंगी, अभी हमको लाइव क्लास से मतलब नहीं, अभी हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब है। सेकंड है आपका रेटूनिंग इज प्रैक्टिस्ड, सीधा पूछू क्वेश्चन तो कह रहा है रेटूनिंग किसमें की जाती है, तो बताइए किसमें की जाती है, डायरेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन वन है सोरघम, ऑप्शन टू है फिंगर मिलेट, ऑप्शन थ्री है सनफ्लावर, ऑप्शन फोर है शुगर केन, बताइए किसमें की जाती है? ऑप्शन डी शुगर केन। ठीक है, सभी आंसर सही दे रहे हो, मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, आप लोग को याद रखने जैसे क्या याद रखना है, परसेंटेज ऑफ P2O5। P2O5 क्या पूछ रहा है? फॉस्फोरस पूछ रहा है, जो सिंग आपका कितना है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट जो होता है आपका, मैंने कल आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि कैसे आपको याद रखना है, सिंगल में कितना पाया जाता है उसको जस्ट डबल जब पूछेगा डबल कर दो, ट्रिपल पूछेगा तो तीन बार जोड़ दो। तो आप बताइए क्या होगा ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, डायरेक्ट आंसर बताइए, आपको याद होना चाहिए। SSP में कितना पाया जाता है? SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसके बाद TSP यानी कि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। तो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में कितना पाया जाता है आपका फॉस्फोरस, ये पूछा है। ऑप्शन ए था 25, ऑप्शन बी था 16, ऑप्शन सी था 48 और ऑप्शन डी था 22। वेरी गुड, सभी ने सी कमेंट किया है, जिन्होंने भी डी कमेंट किया है आप लोग गलत हैं। डी कैसे होगा भाई, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट बोला है तो डी कैसे होगा? अप्रेरणा कैसे डी, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो सब लोग? ठीक है, कल ही अपन पढ़े थे ना रात में, 46 से 48% आपका ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद चलो आप लोग, ICR सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, पूछता है कि CRRI कहाँ पे है, तो बताइए। फर्स्ट है मद्रास, सेकंड है कोलकाता, थर्ड है कटक, फोर्थ है देहरादून, तो कहाँ होगा बच्चों, कहाँ होगा जल्दी बताओ, इसका आंसर कमेंट करिए। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका? बहुत आसान है ये तो, सभी को पता ही होना चाहिए। वेरी गुड, नीलम ने कटक ओडिशा कमेंट किया है, बिल्कुल सही है कटक। देखो मैंने हमेशा बताया था ना, हमेशा फुल नाम याद रखिए, भलाए एग्जाम में देखो सिर्फ कटक दिया है, पर आप कभी ऐसा भी हो सकता है सिर्फ ओडिशा दे दे, तो आपको भूलना नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICR ये पूछा था द मेल इन्फ्लुएंस ऑफ मेज इज, यानी कि जो मक्का है उसके नर पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कॉब, ऑप्शन टू है टेजल, ऑप्शन सी है आपका पैनिकल, ऑप्शन डी है ईयर, बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग, टाइम बहुत कम है, हमको लगभग 4 साल के पेपर सॉल्व करना है आज, आधे आधे घंटे के इंटरवल में करेंगे जब भी आप लोग फ्री रहेंगे। टेसल, वेरी गुड, क्या कहते हैं इसे, टेसल। सिक्स्थ क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ सोयाबीन इज, आप लोग अगर लिख के कमेंट कर देंगे ना ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर रहेगा। साइंटिफिक नेम ऑफ सोयाबीन इज, ऑप्शन ए पॉलीपॉगन, सेकेंड है आपका ग्लाइसिन मैक्स, थर्ड है पैनिकम मैक्सिकम, फोर्थ है कैंक्रस सिलेरियस, बताइए क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा? ग्लाइसिन मैक्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए आप लोग, ICR ने पूछा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, जो IIPR है आपका कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च,
इज सिचुएटेड एट, फर्स्ट है कानपुर, सेकंड है लखनऊ, थर्ड है आपका भोपाल और फोर्थ है, जो कि बिल्कुल सही है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम, उसके बाद चलते हैं हम लोग, देखिएगा आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है, जमुनापारी और बर्बरी किसकी ब्रीड है ये बताइए। तो ऑप्शन ए है आपका कैटल, ऑप्शन बी है आपका स्वाइन, या ऑप्शन थ्री है आपका बुफेलो, ऑप्शन फोर है गोट। अब इसको तो हिंदी में बोलने की ज़रूरत नहीं, वेरी गुड, सभी ने क्या कमेंट किया, गोट, बकरी, सभी को पता है जमुनापारी बहुत फेमस गोट है, और बर्बरी भी आपकी किसकी, तो गोट की। ठीक है, उसके बाद देखिए सॉइल दैट इज, ये वाला छूट गया हमारा, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड फॉर्म, कहता है कि आलू किसका रूपांतरित है, रूप है। ठीक है, यहाँ पे तना नहीं बोला है ना, यहाँ पे सिर्फ मॉडिफाइड फॉर्म पूछा है, रूप पूछा है, इसलिए अगर मॉडिफाइड तना बोलता तब आपको क्या लेना होता है, ट्यूबर, यहाँ पे पूछा है सिर्फ फॉर्म पूछा है, तब ऑप्शन आपका है लीफ, फ्लावर, रूट और स्टेम, तो क्या है आपका, स्टेम है, वेरी गुड, सभी ने स्टेम कमेंट किया, इसका सही आंसर क्या है, स्टेम है। उसके बाद चलो सभी लोग, सॉइल दैट इज सैचुरेटेड विथ मोर देन 15% एक्सचेंजेबल सोडियम, ऐसी सॉइल जो कि 15% सोडियम को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ, ऑप्शन ए है अल्केली सॉइल, ऑप्शन बी है एसिडिक सॉइल, ऑप्शन सी है आपका सेलाइन सॉइल, ऑप्शन डी है अनसेचुरेटेड सॉइल, क्या होगा इसका आंसर, वेरी गुड, इसका सही आंसर क्या होगा, अल्केली सॉइल, ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है ना, उसके बाद बोलता है ये क्वेश्चन को देखो, आपका बहुत घुमा दिया है, फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ वीट इन वेयर हाउसेज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वेट बेसिस इन वीट, इसका सीधा सिंपल बोलूँ तो इसका मतलब है, पूछ रहा है कि जब हम गेहूं को स्टोर करके रखते हैं हार्वेस्टिंग के बाद तो कितना परसेंट मॉइस्चर होना चाहिए, ऑप्शन ए है 6 से 18%, ऑप्शन बी है 4 से 6%, ऑप्शन थ्री है आपके पास 14 से 16%, और ऑप्शन डी है आपके पास 10 से 12%, तो कितना परसेंट होना चाहिए भाई, वेरी गुड, सभी ने क्या कमेंट किया, प्रियंका, ऋषभ, सभी ने 10 से 12%, बिल्कुल सही है आप लोग। ठीक है ना, उसके बाद देखिए पूछता है मेजर सोर्स ऑफ मिथेन फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी, पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में प्रमुख जो मिथेन गैस कहाँ से आपको प्राप्त हो सकती है, तो बताइए, फर्स्ट है फ्रूट ऑर्चर्ड यानी कि फलों का बगान, ऑप्शन टू है शुगर केन फील्ड यानी कि गन्ने का खेत, ऑप्शन सी है आपका राइस फील्ड यानी कि धान की खेत, ऑप्शन फोर है वीट फील्ड यानी कि गेहूँ की खेत, बताओ। तो भाई सभी ने सही आंसर दिया है, राइस फील्ड। ठीक है, दुष्यंत हो गया, आशीष हो गया, ऋषभ है, मीनाक्षी, प्रियंका, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद चलो सभी लोग देखो, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, बताइए डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्यों होता है, ओजोन लेयर कैसे ख़राब हो जाती है, फर्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ऑप्शन सी है यूवी रेडिएशन अर्थ में पहुँचती है उसकी वजह से, ऑप्शन सी है एक्सेस रेनफॉल की वजह से, और आपका फोर्थ ऑप्शन है एसी ड्रेन की वजह से, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बिल्कुल सही, इसका सही आंसर क्या होगा, यूवी रेडिएशन रीचिंग दी अर्थ, यानी कि जब यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो जब आपके धरती में आती है तब हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके बाद बोलता है 14th क्वेश्चन, फाइंड आउट द पेयर विच इज सोर्स ऑफ शुगर, यानी कि ऐसा पेयर को चुनिए जो कि शुगर का स्रोत हो, तो बताइए ऑप्शन ए है वीट एंड शुगर बीट यानी गेहूं और चुकंदर, ऑप्शन टू है शुगर बीट एंड शुगर केन चुकंदर और गन्ना, थर्ड है शुगर केन एंड पोटैटो गन्ना और आलू, फोर्थ है आपका शुगर केन एंड बनाना गन्ना और केला, बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो बिल्कुल सही है आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा, शुगर बीट एंड शुगर केन यानी चुकंदर और गन्ना, वेरी गुड सभी को। उसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चंस और देखना था ना हमें, उसके बाद यहाँ देखिए आप लोग, सॉइल पार्टिकल्स अरेंज्ड इन अ सीरीज, बता रहा है कि आपको सॉइल पार्टिकल्स को अरेंज करना है, वैसे सॉइल पार्टिकल्स को कैसे अरेंज करेंगे, पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे, जो कण हैं आपके मृदा कण जो हैं पार्टिकल्स हैं उनके साइज यानी कि जो साइज है उनका उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है, किसका साइज बड़ा होता है किसका साइज छोटा होता है, तो ऑप्शन ए था सैंड क्ले सिल्ट,
ठीक है, उसके बाद सेकंड था क्ले सिल्ट सैंड, थर्ड ऑप्शन था क्ले सैंड सिल्ट, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास सिल्ट सैंड क्ले। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखो सभी को पता है जो क्ले होते हैं उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो सबसे पहले किसको रखेंगे? क्ले को रखेंगे। क्ले के बाद आपको पता होना चाहिए किसका होता है, तो सिल्ट का होता है, क्योंकि सैंड जो होती है वो सबसे महीन या फिर बारीक होती है। तो सिल्ट अगर आपको नहीं भी पता है तो यहाँ पे तीन ही ऑप्शंस थे, क्ले सैंड और सिल्ट, तो आपको जमा लीजिए, सैंड सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा क्ले होता है, तो बच गया कौन? सिल्ट। सिल्ट को बीच में रख लीजिए, तो हो गया आपका क्ले सिल्ट और सैंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। विच क्रॉप इज नॉन टिलरिंग इन नेचर, कहता है कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि जिसमें कल्ले नहीं निकलते। तो ऑप्शन ए है आपके पास वीट, ऑप्शन बी है आपके पास बाले, ऑप्शन सी है पैडी, और ऑप्शन डी है आपके पास मेज। तो बताइए क्या होगा? वेरी गुड, ऋषभ ने फर्स्ट कमेंट किया मेज, यानी कि मक्का। ये आप चीज मैं लिखा भी चुकी हूँ, आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद 17 क्वेश्चन पे चलिए आप, 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर फॉलियर स्प्रे, ये सारे पीएटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसका बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर फॉलियर स्प्रेस। फर्स्ट है आपके पास SSP, सेकेंड है अमोनियम सल्फेट, थर्ड है यूरिया, और फोर्थ है म्यूरेट ऑफ पोटाश। बताइए क्या होगा भाई इसका आंसर? बताओ बच्चों क्या है? वेरी गुड, सब सही आंसर दे रहे हो, और कोशिश करो, कुछ बच्चे गलत भी हैं। जरूर होगा, ट्राई करो। ठीक है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा आपका यूरिया। आप सभी को पता होना चाहिए, कमेंट करिए यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। कमेंट करिए यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन है। वेरी गुड, 46%। DAP में क्या क्या पाया जाता है और कितना परसेंट पाया जाता है ये भी कमेंट करिए। DAP का फुल फॉर्म क्या होता है? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम बीच बीच में, अगर ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आता है तो उसके साथ ही हम कर लेंगे। बताइए भाई, वेरी गुड, DAP क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें क्या मिलता है आपको? अमोनियम मिल रहा है तो इसका क्या सोर्स है बताइए? नाइट्रोजन, ठीक है। और फॉस्फेट मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? मेजर न्यूट्रिएंट आपका फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस कितना परसेंट, और फॉस्फेट जो फॉस्फेट है वो आपका फॉस्फोरस दे रहा है, तो फॉस्फोरस कितना परसेंट और नाइट्रोजन कितना परसेंट ये बताइए। वेरी गुड, फॉस्फोरस कितना परसेंट आपका? 46%। और नाइट्रोजन कितना आपका? कमेंट करो जल्दी। चलो बहुत सही जा रहे हो आप लोग, नाइट्रोजन 80%, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद चलो आप लोग देखो, कहता है मिल्क फीवर इन कैटल, कभी भी याद रखना जब भी आप ICAR पेपर देने जाते हैं ना, तो आपके ना आप लोग ज़्यादा फोकस करना हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर भी नहीं तो जो जनरल एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी पोर्शन होता है उसको, हमेशा उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। आपके जो एनिमल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और लगभग 3 से 4, उससे ज़्यादा कभी आपका एनिमल से क्वेश्चन नहीं फंसते, और पिछले बार तो बहुत ही कम, 1-2 ही था, तो था वरना नहीं था, ठीक है। ये चीज़ आपको फोकस करना है इस चीज़ पे, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखो, पूछता है मिल्क फीवर क्यों होता है भाई कैटल्स में? तो पूछ रहा है डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम की कमी से ब्लड में, ठीक है। डिक्रीज इन फॉस्फोरस की कमी से, थर्ड है इनएडिक्वेट फीडिंग, यानी कि अच्छे तरीके से खाने ना देने की वजह से, फिर है आपका हाई फीवर यानी कि बहुत तेज बुखार होने से। तो बताइए क्या होगा?
वेरी गुड, नीनब ने कमेंट किया है कैल्शियम डेफिशिएंसी, वेरी गुड, सही आंसर है इसका। उसके बाद है आपका कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? तो पहला ऑप्शन बी है द फैट डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क, दूध में जो फैट निकलता है वो। ऑप्शन थर्ड है आपके पास द ब्लड कार्पल्स। ऑप्शन फोर है ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नीम सीड, यानी कि नीम से निकलने वाले तेल को। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड धनंजय, इसका भानु ने भी सही कमेंट किया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि आप सभी को बता चुकी हूँ मैं कि जब भी कोई भी हो, एनिमल्स हो और फीमेल्स जो हो हैं हम लोग ह्यूमंस में भी, वो क्यों ना हो, जब भी कभी कालविंग आपके बच्चे देने की क्रिया को बोलते हैं कैटल्स में, ठीक है, और हमारे में क्या बोलते हैं, डिलीवरी बोल सकते हो आप, क्या बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो जब भी प्रेग्नेंट जो वुमेंस होती है, जब वो बेबी देते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब उसके बाद जब भी उनके ब्रेस्ट या फिर अडर से जो भी लिक्विड सिक्रीट होता है, फर्स्ट टाइम पहली बार जो लिक्विड सिक्रीट होता है अडर या फिर ब्रेस्ट से, वो कहलाता है आपका कोलेस्ट्रम। और पूछा था कोलेस्ट्रम में कौन सा करैक्टर पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रम में लग्जेटिव करैक्टर पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग याद रखें विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर क्रॉप्स फिक्सेस द नाइट्रोजन, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन ए है बरसीम, ऑप्शन बी है ओट, ऑप्शन सी है सोरघम और ऑप्शन डी है बाजरा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कौन सा है प्लांट जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्स करेगा? वेरी गुड, दुष्यंत पाटले ने कमेंट किया है बरसीम, ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है बरसीम। बरसीम को हम चारों का राजा कहते हैं, यानी कि किंग ऑफ फॉर्डर, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद पूछा है रानीखेत डिजीज किसको अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा? ऑप्शन ए है कैटल, ऑप्शन बी है पिग, ऑप्शन सी है फिश और ऑप्शन डी है पोल्ट्री। बताइए क्या होगा इसका आंसर। रानीखेत डिजीज किस में होता है, यही क्वेश्चन पूछा है, बताइए किस में होता है। सही आंसर मिल गया हमको, सही आंसर, इसका सही आंसर क्या है आपका? पोल्ट्री। उसके बाद पूछा है बनाना इज प्रोपगेटेड थ्रू, यानी बनाना का प्रवर्धन या फिर प्रोपगेशन कैसे करते हैं? तो ऑप्शन वन है सीड्स, ऑप्शन बी है सकर्स एंड कॉम्स, ऑप्शन सी है ग्राफ्टिंग और ऑप्शन डी है लेयरिंग। बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ बताते चाहिए आप लोग। वेरी गुड, इसका सही आंसर क्या होगा? सकर्स होगा और कॉम्स, ठीक है। उसके बाद देखिए द फर्स्ट क्लोन डॉली वॉज मेड इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द फर्स्ट क्लोन डॉली वॉज मेड इन किस में बनी थी? तो फर्स्ट है आपका रेड, सेकेंड है आपका गोट, थर्ड है रैबिट और फोर्थ है आपका शिप। तो बताइए किस में बनी थी डॉली नाम की क्लोन, क्लोन यानी कि हम शक्ल। वेरी गुड, सभी सही आंसर करो, गलत आंसर कर रहे हो बहुत लोग। नीलम ने सही आंसर किया है, वो है आपका शिप, याद रहे सभी को, ठीक है। डॉली किसकी क्लोन थी? तो शिप की, भेड़ की। उसके बाद पूछता है इन ऑनियन स्मेल्स ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, स्मेल क्यों होता है उसमें, जो एक अलग सी गंध क्यों रहती है? तो ऑप्शन वन है आपका सल्फर, ऑप्शन टू है आपका फॉस्फोरस, ऑप्शन थ्री है आपका फेरस, ऑप्शन फोर है कैल्शियम। तो बताइए किसके वजह से रहता है, बताइए किसकी वजह से होगा। वेरी गुड, तो किसके वजह से होता है? सल्फर की वजह से होता है, सल्फर को ही हम हिंदी में गंधक भी कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप लोग, उसके बाद क्या याद रखना है आपको, IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है आपका, बताना है। ऑप्शन ए है आपका वाराणसी, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है जयपुर। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी गुड दुष्यंत, इसका सही आंसर क्या है आपका? वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, दोनों याद रखना, ठीक है ना, वाराणसी उत्तर प्रदेश। उसके बाद पूछा है देखो किसान दिवस, यानी किसान दिवस को हम इंग्लिश में फार्मर्स डे कहते हैं, पर देखो यहाँ हिंदी में ही पूछा है, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, किसान दिवस कब मनाया जाता है पूछ रहा है। ऑप्शन वन है आपके पास 4 दिसंबर, ऑप्शन सी बी है आपके पास 23 दिसंबर, ऑप्शन सी है 1 मई और ऑप्शन डी है 6 अक्टूबर। बताइए कब मनाता जाता है। धनंजय ने बिल्कुल सही कमेंट किया है और प्रियंका ने भी, दीक्षा ने भी, 23 दिसंबर, सभी को पता है 23 दिसंबर, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद देखो गोल्डन राइस, गोल्डन राइस आपका कैसा है, उसमें क्या पाया जाता है, बस इतना पूछ रहा है।
आपको क्वेश्चन घुमाया, तो ऑप्शन ए है आपके पास विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B1, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो बताइए बच्चों क्या पाया जाता है आपका गोल्डन राइस में, सुनहरे चावल में सबसे ज्यादा। वेरी गुड, सबसे पहले रानिया ध्रुव ने कमेंट किया है विटामिन ए, बिल्कुल सही है। चलो विटामिन ए देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन ए, ये आपको याद रखना है। और कैरोटीन किस में होता है, तो ये भी आपका गोल्डन राइस में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हर बार मैंने एग्जाम में आपसे पूछा है कि ये वाला आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए था, अगर आपने देखा होगा रोज लाइव क्लास में ज्वाइन हुए हैं तो, कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसके ऊपर स्टडी की थी। बताइए ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने किसके ऊपर स्टडी की थी, कौन सी प्लांट के ऊपर। ऑप्शन ए है आपके पास ड्रोसोफिला, ऑप्शन बी है आपके पास बीन्स, ऑप्शन सी है आपके पास काउपी और ऑप्शन फोर है आपके पास पीज। तो वेरी गुड, सभी का कमेंट बिल्कुल सही है, पी यानी कि मटर, पायसम सटाइव, ठीक है, ऑप्शन आपने बिल्कुल सही लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NDRI कहाँ पे है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन वन है आपके पास इज्जत नगर, ऑप्शन टू है आपके पास भोपाल, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है आपके पास करनाल। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, क्या है इसका सही आंसर, पीज या सॉरी ऑप्शन डी क्या था आपका, करनाल, ठीक है, करनाल हरियाणा में पाया जाता है, ठीक है ना, NDRI, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद चलिए, लाइट ट्रैप्स आर यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ, किसके कलेक्शन के लिए लाइट ट्रैप्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए बोल रहा है पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक इंसेक्ट्स, सेकेंड बोलता है नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक इंसेक्ट्स, थर्ड कहता है जियोट्रॉफिक इंसेक्ट्स और फोर्थ कहता है हाइड्रोट्रॉफिक इंसेक्ट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, कभी भी याद रखें पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक इंसेक्ट्स इसका आंसर होगा करेक्ट। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा तो वो रपल करेगा, क्या करेगा, रपल करेगा, पॉजिटिव है तभी वो अट्रैक्ट कर रहा है ना, अगर वो नेगेटिव होता तो दूर भगाता है कि नहीं। और जियोट्रॉफिक यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि आपको मैं बता दूँ यहाँ पे लाइट ट्रैप की बात कर रहे हैं, और लाइट ट्रैप की बात कर रहे हैं तो फोटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि लाइट को पसंद करता है, फोटोफोबिक वो होते हैं जो लाइट से दूर भागते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपका अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो भी बनाने के चांसेस हैं, ठीक है, तो फोटोट्रॉफिक इंसेक्ट्स होगा, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 31st, देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किसमें पाई जाती है पूछता है। फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, सेकंड है पॉलन्स नॉट फॉर्म्ड, थर्ड है पॉलन्स डू नॉट जर्मिनेट ऑन सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, फोर्थ है पॉलन्स आर स्टाइल। आपको बताना सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम क्या होता है और किसमें पाया जाता है। कल मैं बता चुकी हूँ, पहला ऑप्शन था आपका जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेकेंड था जिसमें पॉलन्स नहीं बनते, थर्ड था जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन्स जर्मिनेट अंकुरित नहीं हो पाते, तो बताइए क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन था जिसमें पॉलन्स जो होते स्टराइल रह जाते हैं यानी कि बांझ, ठीक है। तो आपका इसका सही आंसर होगा ऐसे सेल्फ पॉलिनेशन में, स्वपरागण में, जब जो परागण रहते हैं पॉलन्स रहते हैं वो कभी जर्मिनेट नहीं हो पाते, उसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा, आप सभी ध्यान रखना, ठीक है ना, याद रहेगा सभी को। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। बैलेंस्ड राशन ऑफ एनिमल इज द अमाउंट ऑफ, कहता है कि बैलेंस्ड राशन क्या है, सीधे वर्ड में बोलूं तो पहला ऑप्शन है आपके पास विच इज सप्लाइड ड्यूरिंग 24 आवर्स, यानी ऐसा राशन जिसको हम 24 घंटे में देते हैं। ऑप्शन बी है विच हैज करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर ऑल ऑफ द फीड न्यूट्रिएंट सप्लाइड इन 24 आवर्स, ऐसा खाना जिसे हम जिसमें पूरा जितने भी न्यूट्रिएंट रहता है सारे बराबर मात्रा में होते हैं। तो दूसरा आप बताइए क्या है, थर्ड है आपके पास विच कंटेन्स ऑल द न्यूट, हो गया आपके पास विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट सप्लाइड इन 24 आवर, बताइए तो क्या होगा। फोर्थ है आपके पास विच इज गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसा खाना जिसे हम प्रेगनेंसी में देते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर सेकंड होगा विच हैज करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द फीड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है,
करेक्ट प्रोपोर्शन होगा, कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मतलब नहीं है, जितने भी न्यूट्रिएंट है पर वो बैलेंस्ड में हो, इसलिए उसे हम बैलेंस्ड राशन कहते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में हो, ठीक है, संतुलित आहार कहते हो ना इसे, तो इक्वल प्रोपोर्शन या फिर करेक्ट प्रोपोर्शन में होना जरूरी है, सारे का होना जरूरी नहीं है पर जितना भी है उनका सही मात्रा में होना जरूरी है, बराबर मात्रा में, ये याद रखना। उसके बाद कहता है ऐसा अमॉन्ग द एग्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल मैक्सिमम मिल्क इज प्रोड्यूस बाय, ऐसा मिल्क का ब्रीड बताइए एग्जॉटिक मिल्क ब्रीड का जो कि आपका सबसे ज्यादा दूध देती है, तो ऑप्शन ए है आपके पास ब्राउन स्विस, ऑप्शन बी है आपके पास आयरशायर, ऑप्शन सी है आपके पास जर्सी और ऑप्शन डी है आपके पास होलस्टीन फ्रीजियन। तो बताइए भाई क्या होगा इसका सही आंसर, बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है एचएफ यानी कि होलस्टीन फ्रीजियन, सभी को पता है इसका सही आंसर, एग्जॉटिक में सबसे ज्यादा दूध कौन देता है तो होलस्टीन फ्रीजियन देती है, इस चीज को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग, बिल्कुल सही ऋषभ, 6200 लीटर, ठीक है, पर लैक्टेशन है उसका। उसके बाद चले देखिए मेरिनो इज द ब्रीड ऑफ, पूछा है कि मेरिनो किसकी ब्रीड है, बताइए किसकी ब्रीड है मेरिनो, किसकी ब्रीड है मेरिनो, किसकी ब्रीड है, तो शिप की ब्रीड है, वेरी गुड, सही जवाब, शिप की ब्रीड है। उसके बाद टीडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे ही बता दो, टीडीएन मैंने हमेशा बताया है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, टीडीएन का फुल फॉर्म क्या है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, कुल पाच्य पोषक तत्व आपका हिंदी में होता है पर इसको इंग्लिश में आप याद रखें तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कलिंग, कलिंग का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है, कलिंग का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए है अ सिस्टम ऑफ हाउसिंग कैटल यानी के पशुओं के आवास को कलिंग कहेंगे, ऑप्शन टू है अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग फीड टू कैटल यानी कि पशुओं को खाना देना आपका कलिंग कहलाता है, ऑप्शन सी है आपके पास अ सिस्टम ऑफ रिमूवल अनप्रोडक्टिव कैटल, अनप्रोडक्टिव कैटल यानी कि जो बांझ पशु होते हैं उनको अच्छे पशुओं से अलग करना, ठीक है, ऑप्शन फोर है अ सिस्टम ऑफ डीहॉर्निंग यानी सिंह रोधन की क्रिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों बताओ, सबने थ्री कमेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि पता नहीं था, यहाँ पे टिक देख रहे हो तो वही आंसर कर दे रहे हो, अ सिस्टम ऑफ रिमूवल अनप्रोडक्टिव कैटल, इसका मतलब क्या होता है पता, अ सिस्टम ऑफ रिमूवल अनप्रोडक्टिव कैटल यानी कि जो एनिमल्स बांझ होते हैं ना, जो हम जानवरों को क्यों पालते हैं, न्यू उनके जो जनरेशन, एक जनरेशन को बढ़ाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देते हैं, ठीक है ना, उसके लिए करते हैं ना, तो अगर वो अनप्रोडक्टिव है फिर तो वो हमारे काम का है ही नहीं, क्योंकि ऑफिस वगैरह तो वो जाता नहीं है कि हमारे लिए ज्यादा काम का तो है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं अनप्रोडक्टिव जो मेल और फीमेल होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं अच्छे जो रहते हैं एनिमल्स उनके साथ से, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको पूछ रहा है एलिलोपैथी क्या होता है, तो बताइए एलिलोपैथी क्या होता है, ऑप्शन ए है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वन एलील टू अनदर एलील यानी कि एक एलील का दूसरे एलील में बुरा प्रभाव, ऑप्शन टू है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन क्रॉप टू अनदर क्रॉप यानी एक क्रॉप का बुरा प्रभाव दूसरे क्रॉप में फसल में, तीसरा है आपका हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टर्मिनेटर जीन यानी टर्मिनेटर जीन का बुरा प्रभाव, ऑप्शन फोर है आपके पास हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मोनोक्रॉपिंग सिस्टम, गलत दुष्यंत पाटले जी आपने डी गलत कमेंट किया है, इसका करेक्ट आंसर होगा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन क्रॉप टू अनदर क्रॉप, एलिलोपैथी आपने वीड साइंस में जो खरपतवार विज्ञान है उसमें मैंने पढ़ाया था अपने वहाँ स्टूडेंट्स को, आपको भी ये चीज़ जाननी चाहिए, एलिलोपैथी आपका एक क्रॉप का दूसरे क्रॉप में बुरा प्रभाव, केमिकल कंपाउंड रिलीज करते हैं जो कि दूसरे क्रॉप में क्या करता है बुरा प्रभाव छोड़ता है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन कलिंग था बेटा, पिछला क्वेश्चन कलिंग था, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, उसे हम एलिलोपैथी कहते हैं। अब यहाँ पे चलो आप लोग देखो, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन मेनली ऑकर्स एट, ये इम्पॉर्टेंट है यानी कि जो नाइट्रोजन की कमी है वो मुख्यतः कहाँ पे देखा जाता है, तो आपको ऑप्शन वन है ओल्डर लीव्स यानी कि पुरानी पत्तियों में, ऑप्शन बी है मिडिल लीव्स यानी कि बीच की पत्तियों में, ऑप्शन सी है न्यू लीव्स यानी कि नई पत्तियों में, ऑप्शन फोर है ग्रोइंग पॉइंट्स यानी कि जहाँ से पौधा स्टार्ट करता है ग्रो होना, तो बताइए क्या होगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, इसका है ओल्ड लीव्स पुरानी पत्तियाँ।
उसके बाद देखिए, द वाटर दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर एब्जॉर्प्शन इज, यानी कि ऐसा पानी बताइए जो कि पौधों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो क्या होगा बताइए? फर्स्ट है आपका हाइड्रोस्कोपिक वाटर, सेकंड है ग्रेविटेशनल वाटर, थर्ड है कैपिलरी वाटर और फोर्थ है वाटर रिटेंशन। क्या होगा? वेरी गुड ऋषभ, ऋषभ ने कमेंट किया फर्स्ट कैपिलरी वाटर, ठीक है। उसके बाद देखो पूछता है सॉल्ट टॉलरेंट, यानी कि जो आपका सॉल्ट है उसको सहन करने वाले क्रॉप का नाम बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका पी, सेकंड है लेमन, थर्ड है शुगर बीट यानी चुकंदर, फोर्थ है काउपी, तो बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? शुगर बीट यानी कि चुकंदर। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर अलोंग, यानी कि इसको सिर्फ ऐसा समझिए आप लोग, फर्टिगेशन प्लस इरिगेशन आपका क्या बनता है बच्चों, कमेंट करो। फर्टिगेशन प्लस इरिगेशन आपका, सॉरी फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन आपका मिलकर बनाता है फर्टिगेशन, ये चीज़ आपको याद रखना है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइकोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं ये कमेंट करिए, फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड है अल्गी, थर्ड है वायरस और फोर्थ है आपका फंजाई, क्या होगा, क्या होगा आपका माइकोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? वेरी गुड ऋषभ, फंजाई की स्टडी को कहा जाता है, क्योंकि आप लोग को पता है बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। एल्गे की स्टडी को क्या कहेंगे? फाइसोलॉजी या फिर एल्गेलॉजी, याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद पूछा है लीफ कर्ल, जो पत्ती मोड़क होते हैं वो वायरस जो है किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, फैलता है, वेक्टर क्या है पूछा है, तो ऑप्शन ए है वाइट फ्लाई, ऑप्शन बी है जेसिड, ऑप्शन सी है एफिड और ऑप्शन डी है हाउस फ्लाई, तो क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी गुड, वाइट फ्लाई इसका सही आंसर है। यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, चीनोपोडेसी इज द फैमिली ऑफ, पूछा है जो ऑप्शन दिया उसमें से चीनोपोडेसी किसकी फैमिली, ऑप्शन ए है कैरोट यानी गाजर, ऑप्शन बी है स्वीट पोटैटो शकरकंद जिसे कहते हैं, ऑप्शन थ्री है स्पिनच यानी कि पालक, ऑप्शन फोर है लीक, बताइए क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड ऋषभ, इसका सही आंसर है स्पिनच यानी कि पालक, ठीक है, याद रहेगा सभी को। उसके बाद देखो कहता है ललित और श्वेता किसकी वैरायटी है, तो ललित और श्वेता किसकी वैरायटी है, पहला है ग्वावा यानी कि अमरूद, सेकंड है पोमग्रेनेट यानी कि अनार, ऑप्शन थर्ड है आंवला, ऑप्शन फोर है मैंगो यानी कि आम, बताइए किसकी वैरायटी है? वेरी गुड, ग्वावा की वैरायटी है, ठीक है ना, तो आप सभी को याद रखना है। सभी लोग कमेंट करते रहो, पेपर को जितना ज़्यादा खुद से सॉल्व करके नहीं, उतना ना सुन सुन के याद हो जाता है, तो आप लोग कुछ काम कर रहे हो तो काम भी करते रहो, अपने फ़ोन को ऑन करके रखो ताकि आपके जो कान है ना उसमें आवाज़ जाते रहे, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चंस आए तो आपको बन जाए, ठीक है ना, जो कि हमेशा आते ही हैं, चाहे कितना भी कठिन पेपर हो घुमा के पूछता है पर क्वेश्चन चेंज नहीं करता, पिछले साल के ही पेपर देख लीजिए आप। उसके बाद द इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इन फ्रूट्स फॉर प्रिपेयरिंग जेली, इसका सीधा पूछूँ तो जेली बनाने के लिए क्या ज़रूरी है पूछ रहा है, ऑप्शन ए है शुगर, ऑप्शन बी है सेल्यूलोस, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है पेक्टिन, बताइए क्या ज़रूरी है आपका? वेरी गुड, क्या ज़रूरी है आपका? पेक्टिन, ये चीज़ आपको याद रखना है, क्या ज़रूरी रहता है? पेक्टिन ज़रूरी रहता है। काम कर रहे हो काम करते रहो, फ़ोन को साइड पर रख के सुनते रहो ताकि याद रहे। उसके बाद देखो अभी हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आपको फ़ोन पकड़ के रखना, आप साइड में फ़ोन रख लीजिए और अपना काम करते रहिए। उसके बाद देखिए आपका 48 क्वेश्चन है, अर्लीस्ट मैच्योरिंग कमर्शियली ग्रोन वैरायटी ऑफ मैंगो इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में उगाया जाने वाला आम बताइए नॉर्मल। फर्स्ट है दशहरी, सेकेंड है बॉम्बे ग्रीन, थर्ड है लंगड़ा और फोर्थ है आम्रपाली, बताइए क्या होगा? बताइए बच्चों क्या होगा? बॉम्बे ग्रीन होगा, क्यों? आप सभी को पता है मुंबई का पुराना नाम क्या था? बॉम्बे था, और ये मुंबई कहाँ पे लोकेटेड है? तो नॉर्थ इंडिया के साइड पे लोकेटेड है, इसलिए हमको इसे लॉजिक लगाना है कि बॉम्बे ग्रीन इसका आंसर होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की वैरायटी पूछा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो NBPGR कहाँ पे है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट्स जेनेटिक रिसर्च कहाँ पे लोकेटेड है बताना है,
नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च कहाँ पे है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी है लुधियाना। बताइए कहाँ पे है बच्चों? वेरी गुड, कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 50 क्वेश्चन है, विच इज़ अ बायो फर्टिलाइजर, जैविक उर्वरक कौन है इनमें से बताना है। फर्स्ट है वर्मी कंपोस्ट, सेकेंड है FYM, थर्ड है एजिटोबैक्टर, फोर्थ है बायोगैस स्लरी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी गुड, सी इसका सही आंसर है, एजिटोबैक्टर। क्यों आप कहेंगे मैम ये तो सारे ही जैविक पदार्थ हैं, पर ये पदार्थ है ना, ये फर्टिलाइजर नहीं है। आप देखिए बाकी के ऑप्शन, वर्मी कंपोस्ट आपका कंपोस्ट है यानी कि वो मैन्योर में आता है, FYM वो भी आपका मैन्योर में आता है, बायोगैस स्लरी वो भी आपका मैन्योर यानी कि ये सभी खाद में आते हैं, एजिटोबैक्टर है आपका जैविक उर्वरक में आता है, ये चीज़ याद रखना ठीक है। गुड मॉर्निंग भावना, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी लोग मैं बोल रही हूँ बार बार अपनी तैयारी करते रहो, फ़ोन को साइड पे रख के उसको सुनते रहो, नहाओ धो बाहर जाओ, अपने बैग्स पैक कर लो, सभी कुछ काम करते करते बस फ़ोन को चालू करके सुनते रहो ताकि तुमको याद होते रहे, ठीक है ना। उसके बाद चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। 51 क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलिन आपका कौन प्रोड्यूस करता है? तो इसका आपको आंसर बताना है, ये ना गलत हो गया था। तो फर्स्ट है एल्गे, सेकेंड है प्रोटोजोआ, थर्ड है बैक्टीरिया और फोर्थ है फंजाई। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर लेंगे इसका? फंजाई यानी कि फंगस, ठीक है। उसके बाद पूछता है 52 क्वेश्चन है, एग्री सिल्विकल्चर क्या करता है, किसको किसको इन्वॉल्व करता है? पहला है आपका फूड क्रॉप्स प्लस ट्री क्रॉप्स, सेकेंड है आपका फ्रूट क्रॉप्स प्लस ग्रास क्रॉप्स, थर्ड है आपका फॉरेस्ट क्रॉप्स प्लस ट्री क्रॉप्स, फोर्थ है आपका ट्री क्रॉप्स प्लस सिल्क वॉर्म। बताइए क्या होगा? फूड प्लस ट्री होगा, आप याद रख लीजिएगा, एग्री सिल्विकल्चर का मतलब फूड प्लस ट्री है, याद रखना ठीक है। सेकेंड आप लोग चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विपटेल इन कॉलीफ्लावर, सीधा बोलूँ तो कॉलीफ्लावर में विपटेल की डिजीज क्यों होती है, बताइए किसकी कमी से होती है? फर्स्ट है जिंक, सेकेंड है बी आपका यानी कि बोरॉन, थर्ड है एमओ यानी कि मॉलिब्रेडनम और फोर्थ है आपका कॉपर। बताइए किसकी वजह से होता है भाई? तो एमओ मॉलिब्रेडनम की कमी से विपटेल होता है, ठीक है। बॉटनिकल नेम ऑफ सुबबूल जो होता है उसका साइंटिफिक नेम बताइए, सुबबूल है उसका साइंटिफिक नेम बताइए। फर्स्ट है लुसेना ल्यूकोसेफेला, सेकेंड है सस्बेनिया ग्रैंडीफ्लोरा, थर्ड है अकेसिया नीलोटिका और फोर्थ है अकेसिया अल्बिडा। क्या होगा इसका फर्स्ट सही आंसर, बताइए जल्दी कमेंट करिए। हाँ ये बहुत लोग बच्चे लोग नहीं किए थे ना, तो ये लास्ट है, कल जो हो गया था ना अपन ऑफलाइन किए थे ना, तो ये रिकॉर्डेड रह करके इसको कर दिया, बट आगे अपन ना 2013 के आगे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 11 तो अभी बज गया, 12 बजे, तो 12 बजे सभी कोई जुड़ जाना भाई, 12 बजे हम लोग कम से कम 2012 या 11 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आ रहा समझ में? 2011-12 ICR के जो पेपर थे वो करेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आंसर कर दो, ए होगा इसका सही आंसर, ल्यूसेनिया ल्यूकोसेफेला, ठीक है। उसके बाद पूछा है, जल्दी जल्दी आंसर करो, अंगोल का नेटिव ट्रैक्ट यानी कि जो स्थानीय घर है ना उसका वो कहाँ पे है, नेटिव ट्रैक्ट कहाँ पे है? तो बताइए फर्स्ट है यूपी, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है आपका गुजरात और फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा बच्चों इसका सही आंसर होगा? आंध्र प्रदेश। मैं बोली थी आपके ICR में चाहे BHU में ज़्यादा फोकस आप लोग एग्रोनॉमी और जनरल एग्रीकल्चर में करना, ना ही ज़्यादा हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन पूछते हैं एकदम डीपली, ना ही ज़्यादा आपके उसमें से पूछता है एनिमल से, तो 2-3 ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। पहले एग्रीकल्चर का जनरल एग्रीकल्चर प्लस एग्रोनॉमी करना, सेकंड हॉर्टिकल्चर और लास्ट में एनिमल करना, ये आपके लिए टिप्स है अगर तैयारी कर रहे हो तो। और लास्ट मोमेंट पे तो तुम सिर्फ ना एग्रीकल्चर के पेपर ही सॉल्व करो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नोट्स निकाल के। अब उसके बाद चलो देखो, लार्जेस्ट सुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट, प्रोड्यूसिंग बोल रहा है तो सबसे पहले ये पूछ रहा है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो पहला है तमिलनाडु,
सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र, फोर्थ है आंध्र प्रदेश। बताइए गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? वेरी गुड भावना, भावना ने फर्स्ट कमेंट किया यूपी, सेकंड प्रियंका ने उत्तर प्रदेश। ठीक है, थर्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, आपकी क्रांतिक अवस्था बतानी है गेहूं में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है लेट जॉइंटिंग, सेकंड दिया है डफ, थर्ड दिया है मिल्किंग और फोर्थ दिया है क्राउन रूट इनिशिएशन। तो बताइए क्या होगा, क्या होगा गेहूं में कौन सी क्रांतिक अवस्था में मोस्ट इंपॉर्टेंट है? वेरी गुड भावना, CRI, CRI का फुल फॉर्म होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। यही एक ऐसी अवस्था जिसमें अगर गेहूं को पानी ना मिले तो वो तो खराब हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी भी जरूरत होती है बट ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वीट वेराइटी इज, गेहूं की वेराइटी बताना है। फर्स्ट है आपका राधे, सेकेंड है आपका HD2967, थर्ड है आपका पूषा शीतल और फोर्थ है आपका HUB113। ऋषि ने फोर्थ कमेंट किया बेटा आप, अच्छा पहले वाले का कमेंट किया हो ना, ठीक है कोई बात नहीं, इसका आंसर कमेंट किया, वेरी गुड HD2967 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद मुझे ये कमेंट करो राधे किसकी वैरायटी है, राधे किसकी वैरायटी है, कमेंट करो सभी लोग राधे किसकी वैरायटी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है PAT के, राधे किसकी वैरायटी है? बताइए राधे किसकी वैरायटी है? तो ग्राम की वैरायटी है, ठीक है ना, किसकी वैरायटी है राधे? ग्राम की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग चलिए, आप लोग का जो भी क्वेश्चन है ना मैं बताती हूँ, ठीक है, पहले आप लोग यहाँ चलिए, उसके बाद देखिए पूषा शीतल किसकी वैरायटी है, बताइए पूषा शीतल किसकी वैरायटी है, कमेंट करो बच्चा लोग पूषा शीतल किसकी वैरायटी है। वेरी गुड, कमेंट करते जाओ। पूषा शीतल किसकी वैरायटी है, किसी को नहीं पता? आज खोज के लाना पूषा शीतल, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी। और किसकी वैरायटी है, शीतल बोला है तो इसको कैसी जगह की होगी, ये ठंडे जगह के लिए, पूषा बोला है तो दिल्ली से निकाली गई, अब किसकी वैरायटी है ये आपको खुद को पता करके लाना है। उसके बाद एक बच्चे का कमेंट है दुष्यंत पाटले का, मैम मोको डिजीज किस में लगता है प्लीज बताइए ना। अच्छा बेटा मोको डिजीज जो होता है वो आपके बनाना की डिजीज है। किसकी डिजीज है? बनाना की डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है आपके केले में, ठीक है, उसके ज्यादा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो आपने कहाँ पे पढ़ लिया बेटा इसे? मोको डिजीज जो है होता है आपका वो किस में लगता है, तो बनाना में लगता है। और किसके द्वारा लगता है यानी कि उसका काउजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो फंगस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, उसके बाद चलते हैं हम लोग ऑप्टिमम सीड रेट फॉर लेट सोइंग वीट, यानी कि वीट का सीड रेट बताना है, बीज दर बताना है अगर लेट सोइंग करते हैं तो कितना होगा बताइए, कितना होगा? फर्स्ट है आपका 100 केजी पर हेक्टेयर, सेकंड है आपका 125 केजी पर हेक्टेयर, थर्ड है आपका 80 केजी पर हेक्टेयर, फोर्थ है आपका 10 केजी पर हेक्टेयर। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ बच्चों? वेरी गुड, हरेंद्र ने बहुत सही कमेंट किया है 125 केजी पर हेक्टेयर। क्यों होगा बच्चों 125 केजी पर हेक्टेयर? क्योंकि लेट सोइंग की बात की है, अगर हमने अर्ली सोइंग की बात कर दी यानी कि अगेती बुवाई की बात कर दी तब कितना होता? देखो कभी भी अर्ली को हम अगेती बोलते हैं और लेट को हम लोग पछेती बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगेती के लिए कितना होता तो 80 केजी पर हेक्टेयर, वेरी गुड। और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, अर्ली नहीं बोला, लेट नहीं बोला, सिर्फ बोला कि वीट के सोइंग के लिए सीड रेट बताइए, तब कितना होता? सिर्फ सीड रेट पूछा होता तब कितना होता बच्चों, कितना होता बताइए? नॉर्मल के लिए 100 केजी पर हेक्टेयर, वेरी गुड। तीनों का ऑप्शन यहाँ पे दिया था, कई बच्चे 100 लेते हैं क्योंकि गेहूं का 100 होता है, पर उन्होंने लेट सोइंग को ध्यान नहीं दिया होता। पर आप सभी के पास अभी टाइम है, आप लोग ये सारी चीज़ें सीख जाइए। देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए, 100 आपका नॉर्मल के लिए होता है, 125 आपका लेट। देखो पीछे जा रहे हैं ना, तो पीछे आपका 125 पीछे आता है कि नहीं?
और 80 कैसे आता है, आगे आता है, तो अगेती के लिए याद रख लेना 80 और पछेती के लिए याद रख लेना 125 और बीच का बच गया आपका 100 नॉर्मल के लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, एनीमोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तो बताइए बच्चों एनीमोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। ऑप्शन 1 है वाइंड डायरेक्शन, ऑप्शन 2 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी है वाइंड स्पीड और ऑप्शन डी है आपका एयर टेम्परेचर। तो किसके लिए करते हैं, वेरी गुड दुष्यंत। दुष्यंत कह रहा है मैम पूषा शीतल टोमेटो का है, आप लोग कल इसको करके लाना या 12 बजे वाली क्लास में करके लाना, ठीक है। मैं आप लोग को बताऊंगी सही आंसर सभी का, ठीक है। चलो बताओ वाइंड स्पीड, वेरी गुड, सभी ने सही कमेंट किया। किसके लिए करते हैं वाइंड स्पीड, यानी कि जो हवा की गति है उसके लिए। वाइंड डायरेक्शन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, चलो चेक करते हैं। यहाँ तो आंसर लिखा है तो सभी कमेंट कर दे रहे हैं। अब बताइए वाइंड डायरेक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है हवा की दिशा के लिए, बताइए हवा की दिशा के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेजर करने के लिए। ऋषभ त्रिपाठी वाइंड वेव कमेंट कर रहे हैं, और कोई, वेरी गुड वाइंड वेव सही है आप लोगों का। वेव बच्चा लहर को कहते हैं और वाइंड वेन होता है, ठीक है, वाइंड वेन होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर करते हैं बताइए, वायुदाब किससे मेजर किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुदाब किससे मेजर किया जाता है कमेंट करिए। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर भावना, हाइड्रोमीटर कब से हो गया, डिलीट कर दी, मारूंगी आज देखना बहुत। रागनी ने बिल्कुल सही कमेंट किया है बैरोमीटर, प्रभाकर ने भी बैरोमीटर और ऋषभ ने भी बैरोमीटर। हाइड्रोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, हाइड्रोमीटर कमेंट कर ही दिए तो बताओ हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए होता है, हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए होता है बताइए, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर आप लोग मिल्क वाले में पढ़े होंगे, याद करो, वेरी गुड। अपेक्षित घनत्व, स्पेसिफिक डेंसिटी मिल्क की, याद है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जब होती है, याद रखना। ये आपका 60 क्वेश्चन खत्म हो गया है, 12 बजे की क्लास में जरूर जुड़ जाना, उसमें आपका 13 या फिर 12 के क्वेश्चन, 13 से लेकर 12 के क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर लेंगे, तो कम से कम आपका 5 से 6 साल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा 12 बजे जुड़ना मत भूलना, ठीक है। मैं 12 बजे का टाइमर सेट कर दूंगी, 12 बजे सभी को जुड़ जाना, हम लोग 2012-11 का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 13 का कर लिए थे, 13 का कल कर लिए है ना, 2013 का भावना कल 13 का किए थे, एग्रीकल्चर का भी ऐसे करवा देना मैम, हाँ ज़रूर एग्रीकल्चर का भी ऐसे ही, ये तो एग्रीकल्चर ही है ना पागलो, एग्रीकल्चर ही है ये, मतलब PAT का ऐसे ही करा देना, बिल्कुल PAT का भी ऐसे करा दूँगी, ठीक है। चलो ज़रूर मैं PAT का भी ऐसे ही करा दूँगी आप लोगों के लिए, सॉल्व करा करा के, ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग का जब पेपर रहेगा एक दिन पहले हम 5 साल के पेपर सॉल्व कर लेंगे। चलो 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 सभी जाओ रेस्ट करो, 12 बजे ज़रूर आना, ठीक है, बाय टू ऑल ऑफ यू। PCB का भी करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का, ठीक है। PCB का हम लोग PCB में, मैं तुम लोग को बोली हूँ मैथ्स तो बहुत टाइम वेस्टिंग है, मतलब मैथ्स में लास्ट मोमेंट पे हम ट्राई नहीं कर सकते, बट हाँ बायो केमिस्ट्री ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, आज से प्लान करते हैं। तुम लोग पेपर दे के आओ, सभी को ऑल द बेस्ट, 12 बजे जुड़ना, ठीक है, फिर हम बात करते हैं, चलो बाय ना बच्चों।